जिला पंचायत परिवार आपको सम्मानित करना चाहता है। सभी मान्य सदस्य जनों से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आ जाएं। मैं माननीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि आप कॉल भेज करने की कृपा करें माननीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को। जोरदार तालियां, आपका उत्तरकाशी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अभिनंदन। और अब मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आप मोमेंटो जिला पंचायत परिवार की तरफ से आप सॉल भेंट और मोमेंटो भेंट स्मृति चिन्ह इस कार्यक्रम की स्मृति मान्य श्रीमान नरेंद्र सिंह नेगी जी के जीवन में हमेशा बनी रहे। हम सब लोग आज पूरा जनपद उत्तरकाशी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है कि आपने यहाँ आकर हमें कृतज्ञ किया। और छात्र संघ के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष राहुल नोटियाल जी भी सॉल भेंट करना चाहते हैं। मैं नेगी जी से निवेदन करूंगा, हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष राहुल नोटियाल जी, हर कोई आपको सम्मानित करने के लिए, आपको आपसे भेंट करने के लिए उत्सुक है, लेकिन समय की बाध्यता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार का शो, आप वो व्यक्तित्व है जो हर पुरस्कार से बड़े हैं। और बहुत धन्यवाद। और मैं आमंत्रित करूंगा लोक गायिका और आपकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा देवी जी, आप आए। मैं माननीय सदस्य श्रीमती शशि दुमाई जी, श्रीमती रविंद्र देवी जी, श्रीमती भगवान जी, आप सॉल भेंट और स्मृति चिन्ह और स्वागत के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा लोक गायक श्रीमान अनिल भिंस जी, आप आए। और मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्य जिला पंचायत मनोज मीनान जी, मनीष राणा जी, कि आप बड़े भाई अनिल भिंस जी को सॉल भेंट और स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। और साथ के सभी सदस्य जिला पंचायत कुमार जी, भगवान जी, कुमार जी, आपका सर बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन, धन्यवाद। और इस क्रम में मैं निवेदन करूंगा इस पूरे कार्यक्रम के जो उद्घोषक हैं श्रीमान गणेश खुकसाल, गणी भाई जी ने हम कहते हैं, आप ही मंच पर आ जाएं। और मैं निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय विधायक जी से, कि आप उनको सॉल भेंट और स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। हम सब के आदरणीय और जिनके संगीतों में पूरा उत्तराखंड समाया हुआ है, ऐसे परम आदरणीय नेगी जी का आज अपने इस माघ मेले के मंच पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। मैं आज गंगोत्री विधानसभा के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई सुरेश चौहान जी का पुनः सम्मान के साथ उनका यहाँ पर मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, आप सब आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीतों का आनंद लें और एक अनुशासन के साथ इन पूरे गीतों को सुने। मुझे उम्मीद है आप सब पर कि आप सब लोग हमारा पूरा सहयोग रखेंगे, क्योंकि जिला पंचायत का ये मेला जनपद के आवाम को समर्पित है। जनपद की आवाम में मेरा युवाओं से विशेषकर निवेदन है, आप सब आज का दिन खास बनाए और ये रात्रि संध्या आपके एक विशेष खास संध्या के रूप में जाए, ऐसा मुझे आप सब पे भरोसा है। क्योंकि आप सबके भरोसे से ही हम इसको और लंबा ले जा सकते हैं। ये भरोसा आपने देना, अगर आपका ये भरोसा है तो एक बार फिर से ताली पीटे, धन्यवाद। मैं अब आपके बीच में आमंत्रित करता हूँ इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुरेश सिंह चौहान जी को। इस मेले के अध्यक्ष और जिला पंचायत के अध्यक्ष बहुत ही सम्मानित हमारे भाई श्री दीपक बिजवाड़ जी, यहाँ पर इस मेले के आयोजक
इस मेले के आयोजक हमारे सभी सम्मानित जिला पंचायत सदस्य साथियों, मेरे एक जोर से भारत माता की, भारत माता की। साथियों, ये माघ मेला आप सबका और हम सबका है। इस माघ मेले में आए समस्त माताओं का, बहनों का, नौजवान साथियों का, मंच पर विराजमान आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और आप सबके बीच उत्तराखंड के गढ़ रत्न और लोक गायक श्री और बहुत ही आदरणीय हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी जो संध्या आपके बीच दे रहे हैं, हम सब उनका अपनी आपकी ओर से, अपनी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और साथ में इस जो आप सब इस सांस्कृतिक मेला पर यहाँ पर पहुंचे हैं, आपसे भी मेरा अनुरोध और निवेदन है कि हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसको हम संजोए रखें और हम यहाँ पर अपना अनुशासन, जिस माघ मेला मेला भी आपका है, हम सब इस माघ मेले का जो लुप्त उठा रहे हैं, वहां में अपने गढ़ रत्न जो उनकी पूरी टीम, उनका भी यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ पूरी टीम का। और पूरी पुलिस प्रशासन की टीम जो यहाँ पर लगी उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष से लेके सभी जो आयोजक जो दिन रात कसरत कर रहे हैं कि कैसे ये मेला अच्छा हो, आप सब अच्छे होंगे तो ये मेला अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अपने आदरणीय गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम। हेलो, आपको जो शोर हो जो ये समझ में नहीं आनो कि आप थे नगर कार्यक्रम ठीक नहीं लगनो चु, अगर कार्यक्रम ठीक चे तो शांतिपूर्वक बैठा भाई अच्छ लगनो तो ताली बजा। लेकिन जब हम कार्यक्रम देना था आप लोग ताली बजाना बजाय शोर करना छन, तो ये के दानस सैन अभी बैठे छन, दीदी भूली भी बैठी छन एक, तो ये उम्मीद करने की हर गीत आपकी पसंद को हो, ये जरूरी गीत आपके परिवार का कई बुजुर्ग बैठे छन, कई माँ बहनी बैठी छन, उनकी भी पसंद हो चाहते, तो आप लोग थे इतना पेशेंस रखना चाहते कि नचने गीत भी होला लेकिन कुछ दूसरा किस्म का गीत भी होला जो थे पुराना लोग पसंद कर दें। तो जब मेरे आपसे निवेदन से शांति बने के रखा और मैं देखना चाहू आप तक बैठना में दिक्कत भी होनी चाहिए, लोग जनता अगर अध्यक्ष जी याद दें तो एक भी मैदान में बैठ सकते वो लोग, फिर बैठ जाना चाहे दिक्कत होने वक्त तो आप ये कह सकते हैं। हेलो हेलो, जी।
चूड़ियों गोरी पाती है। चूड़ियों गोरी